खम्बागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, तो सबको लख लख बधाइयाँ। गुरु नानक जी हम सबको बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, ठीक है, अपनी मेहर हमारे सबके ऊपर रखें। तो आज का जो सेशन है वो सेशन है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी आरएएस प्रीलिम्स दिया लेकिन उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए, उन लर्नर्स की जो है नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही कहूंगी, किसी को निराश नहीं होना है, ठीक है। आपने जो भी जितने भी इनपुट्स दिए आरएस प्रीलिम्स में, जो भी आपका स्कोर बन रहा है उसको एक मतलब गिफ्ट की तरह ही ले कि कुछ ना कुछ आपने सीखा है, ये चीज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, आपको कोई हाथ पैर जोड़ के या कुछ भी ऐसे नहीं बैठना है, दोबारा से फिर से स्टार्ट करना है सिर्फ आरएएस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अभी जो है करवाएंगे, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगी कि आप सोचो कि आपको फिर से स्टार्टिंग करनी है, सिफर से सिर्फ आरएएस तक का सफर हमें तय करना है, ठीक है। आप सोचो जितना गेन कर लिया वो ठीक है, लेकिन वो अभी पूरा नहीं है, सिफर के ही बराबर है, सिफर यानी कि जीरो के बराबर। और इससे हमें सिर्फ आरएएस तक के सफर को तय करना है, ठीक है। लेकिन वो मिलेगा कब? जब हमें थोड़ा सा जो है मतलब सरफिरे होना पड़ेगा हम सबको, जब हमारे माइंड में हमारी सारी एनर्जी आरएएस के लिए हम लोग जो है डेडिकेट कर देंगे और उसके लिए जो भी चीजें चाहिए उसको करेंगे रैशनल तरीके से, ठीक है। कैसे तरीके से? लॉजिकल तरीके से, ये नहीं कि इमोशनल होके बैठ जाओ, नहीं, ठीक है। जब आप अपने आप को ये इमेजिन करो कि आप आरएएस हो और आपको बड़े बड़े कामों के डिसीजंस लेने हैं, तो वो जब डिसीजन आप लोगे तो इमोशनल कंटेंट थोड़ा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करना होता है हम सबको, ठीक है। लेकिन उसके लिए लॉजिकली बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कम मार्क्स आए हैं तो रोने धोने बैठ जाएंगे, उसका जो है ब्लेम करेंगे दूसरी वजाहत के ऊपर, अपनी पढ़ाई हमने कम की है या क्या क्या कारण रहे उसके ऊपर ना करके, तो वो चीजें नहीं करनी। हमें सिर्फ एनालाइज करना है कि हमारी क्या कमी रही और उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, बस उसके अंदर लग जाओ, ठीक है। तो सिर्फ आरएएस तक का हमें सफर तय करना है, आपको शपथ लेनी होगी, ये डेली आपको अफर्मेशन बोलना है, डेली बोलना है, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है, लेते हैं शपथ, यही है पथ, यही है पथ, ठीक है। सिर्फ आरएएस, सिर्फ और सिर्फ आरएएस, ठीक है। तो इस जोश के साथ आपको डेली तैयारी करनी है, डेली अपने आप को रिमाइंड कराना है, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, जितना याद रहता है जो राजस्थान जी के आपको याद है, जितना मैथमेटिक्स रीजनिंग याद है उसको एज अ बोनस लो और आगे अपनी तैयारी में हमें जुट जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा मेरा नाम आ गया बीच में, मेरा नाम डॉक्टर करुणा शर्मा है, जो नहीं जानते लर्नर्स हमारे साथ जुड़े उनको बता दूं, अन अकेडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। तो आरएएस की प्रिपरेशन में आपकी स्टडी को जितना सिंपल किया जा सकेगा वो कोशिश होगी यहाँ पे मारो राजस्थान चैनल पे अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, ठीक है। चले तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मैं ये आपको बताती हूँ, डेली अफर्मेशन करनी है आपको कि हाँ वो जो शपथ मैंने बताई है वो लेनी है। आपको अपने डाइट पे फोकस करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सुबह सुबह आप हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो ना तो पूरा दिन नींद आती है, ठीक है। तो डाइट पर ज़रूर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, सुबह आपको फ्रूट्स, हेल्दी फ्रूट्स, जूस वगैरह ये सारी चीज़ें लेनी है, और दिन में आप जो है अच्छा मील लें और रात को फिर से हमें लाइट मील लेना है। दूसरा है डिसिप्लिन, डेली रेगुलर आवर्स। आपके देखे मैक्सिमम और मिनिमम आवर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के। कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पर्सन मेरी तरह जो सुबह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, कुछ होते हैं इवनिंग पर्सन, नॉक्टर्नल पर्सन जो रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको अपने वो फिक्स चार घंटे वो ढूंढने हैं जिसमें आपकी सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है, और ये पढ़ाई आपकी कोशिश करनी है कि एक भी दिन मिस ना हो, ठीक है। या तो सुबह के 4 घंटे होंगे, या तो आप 4 से 8 बजे तक पढ़ोगे सुबह, या तो आप रात को कितने बजे से, रात को मुझे लगता है ज्यादातर 9-10 बजे शुरू करते हैं और फिर वो स्टूडेंट 1-2 बजे तक पढ़ते हैं, तो ये वाला प्लान होगा। जो भी, ये 4 घंटे आपके फिक्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका जो प्लान है, डेली 6 घंटे का प्लान है तो 6 घंटे का, 8 घंटे का प्लान है तो 8 घंटे का, बाकी टाइम वेरिएबल हो सकता है, उसमें आप कम पढ़ें ज्यादा पढ़ें, ठीक है, बाकी कोशिश करनी है पूरा पढ़ने, लेकिन एक फिक्स टाइम होगा हाई प्रोडक्टिविटी का जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तो वो 4 घंटे आपको जरूर
जरूर फिक्स करने हैं डिसिप्लिनली, उसको करना ही करना है कंसिस्टेंसी के साथ, उसको छोड़ने का आपको सोचना ही नहीं है कभी भी, ठीक है। एक आधा दिन कोई काम आ गया, जरूरी काम आ गया, कुछ भी हो गया, फिर भी कोशिश करनी है हमें पूरा करने की। देखो इतना करना पड़ेगा अगर आरएएस बनना चाह रहे हैं हम लोग, सही है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रखना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस एक कॉन्फिडेंस, एक बात अपने आपको याद दिलानी है आपको कि ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हूं, उतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आरएएस का। बाकी सबको तो फिर मेहनत ही करनी है और स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है। तो मैं डेली आपको ये जरूर बोलना है अपने आपको कि आरएएस बन सकता हूं या बन सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, ये बात बहुत जरूरी है। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, जीरो। अपने ऊपर सेल्फ डाउट आपको किल कर देगा, ठीक है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकला है, या सिर्फ जो 5 नंबर से रह गए, या सिर्फ 10 नंबर से, या 2 नंबर से रह गए हैं, कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ फियर उनमें मिलेगा। जिनको है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी की शुरुआत करनी है जीरो फियर के साथ, फेथ पूरा रखना है अपने ऊपर, अपने ऊपर और एक डिवाइन पावर एनर्जी भगवान जिनको भी आप मानते हो उनके ऊपर फेथ पूरा आपको रखना है कि हाँ हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और फोकस आपका होना चाहिए जैसा मैंने पहले बताया सिर्फ और सिर्फ आरएएस के ऊपर, ठीक है। बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम बीच में दे रहे हो, वीडियो एग्जाम आया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जो भी एग्जाम आ रहे हैं, आप सारे फॉर्म भर रहे हो, तो उनको आपको सिर्फ मॉक टेस्ट की तरह लेना है, ठीक है। और उसमें अगर बीच बीच में आपके एग्जाम्स वो क्लियर नहीं हो रहे तो आपको हताश निराश होकर बैठना नहीं है, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आरएएस के ऊपर, सारी एनर्जी आरएएस एग्जाम के ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। उसके बाद जीरो फोकस, जहां आपको फुल फोकस आरएएस एग्जाम की तैयारी पे करना है, जीरो फोकस आपको करना है किस चीज के ऊपर, आउटकम के ऊपर। ये आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा या होगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, नो, आपका आउटकम के ऊपर जीरो ध्यान जाएगा तो 100% आपका सिर्फ आरएएस पे आपका फोकस रहेगा। ये बात लिख के रख लो आप कहीं पे भी, डेली आपको अपने आपको बतानी है क्या होगा, वो चीज आपको सोचनी नहीं है आरएएस की प्रिपरेशन की इस जर्नी में, ये चीज आपके बीच में कहीं भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूं, जीरो फोकस ऑन आउटकम, फुल फोकस ऑन आरएएस, ठीक है। आपके एग्जाम के ऊपर, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आउटकम के ऊपर आपका जीरो फोकस नहीं, बस पॉजिटिव माइंडसेट सेट हो, कोई डर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद डेली जैसे आप कोई टॉपिक कर लोगे, एमसीक्यूज करोगे, शुरू शुरू में क्या होगा, आपके एमसीक्यूज गलत भी होंगे, शुरू शुरू में क्या होगा, आपके एमसीक्यूज गलत होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के टेस्ट दोगे, आपके नंबर कम आएंगे। तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव नेगेटिव अपने आपको कुछ नहीं रखना, आपको बस ये सोचना है नेक्स्ट लेवल इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट कैसे, एमसीक्यूज अगर गलत हो रहे हैं तो रीजन देखो क्यों गलत है, या तो फैक्ट्स याद नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए गलत हुए हैं, या अगर फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद भी किया था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, तो आपको पेपर में रिकॉल नहीं हुए, वो इसलिए गलत हुआ, या कहीं पे मार्किंग की वजह से गलत हुआ, या रिवाइज ढंग से नहीं किया इस वजह से गलत हुआ। एमसीक्यूज गलत होने के यही 3-4 कारण होते हैं। पहली बात, आपने टॉपिक ढंग से पढ़ा नहीं, पढ़ा तो आपने फैक्ट्स को याद नहीं किया, याद किया तो इतने अच्छे से रिवाइज नहीं किया कि जब आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो फैक्ट्स रिकॉल हो सके, ठीक है। तो यही 3-4 कारण है जब एमसीक्यूज गलत होते हैं, अदरवाइज एमसीक्यू गलत नहीं होते। एक आपको प्रैक्टिस इंट्यूशन डेवलप हो जाती है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो वो धीरे धीरे ही आएगी लर्न और प्रैक्टिस से, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए, बिकम बेटर नेक्स्ट डे, ठीक है। हर दिन आपको अपने आपको क्या करना है, इंप्रोवाइज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं जिनका अभी आरएएस प्रीलिम्स जो है, जिनका अभी आरएएस प्रीलिम्स में कम मार्क्स बन रहे हैं, उनकी नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। उनको प्री की तैयारी करनी चाहिए, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उनका क्या सिनेरियो होना चाहिए, तो देखो मैं बताती हूँ। जिनके कट ऑफ के लगभग, मतलब जिनके मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 70-80 के बीच में आ रहे हैं ना, 70-80 के बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब दे आर वेरी क्लोज टू क्लियरिंग प्रीलिम्स, वो या तो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं या तो मार्जिन से रह जाएंगे। तो आपके लिए अभी टाइम है, जैसे मेंस के बच्चे तैयारी में जुट गए हैं ना, आपको भी अपना फोकस मेंस के ऊपर देना चाहिए, ताकि थोड़ी ज्यादा मेहनत फिर तब हम कर लेंगे जब आपका नेक्स्ट आरएएस प्रीलिम्स आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर भी आपके मन में डाउट रहेगा कि प्रीलिम्स में 2-4-5 नंबर से रह रहे हैं, मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। मैं बोल रही हूं मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स का जो डाउट रहता है तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूं। 4 दिन आप मेंस पढ़ो, ठीक है, और 3 दिन आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी करो,
4 दिन मेंस, 3 दिन प्रीलिम्स। मेंस का यहाँ पे मेरा मतलब है जो मेंस एक्सक्लूसिव सिलेबस है, जो सिर्फ मेंस में सिलेबस है, प्रीलिम्स में नहीं है, ठीक है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो वाले सिलेबस आपको करने हैं जो प्री और मेंस दोनों में है या फिर सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर है, ठीक है। सिलेबस की सबसे पहले लिस्ट मार्क करनी है आपको, प्री और मेंस के कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, कौन से अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो 4 दिन में आप वो पढ़ेंगे जो प्री और मेंस से अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका साइंस हो जाएगा, थोड़ा अलग आएगा, लॉ आएगा, साइकोलॉजी आएगा, ठीक है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, एथिक्स आएगा, ये वाले सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ताकि 4 दिन आप वो पढ़ें और फिर बाकी के 3 दिन आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ें जो कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें आपकी मेंस की इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली तैयारी होगी। और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वो आपको अलग से इसमें तैयार करने हैं। 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट एक एक दिन में आप लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है। एक दिन में आपको यही कहूंगी, एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट ना चूज करें, दो सब्जेक्ट से ज़्यादा ना रखें, ठीक है, क्लियर है सबको। अब जिनके मार्क्स दूसरी कैटेगरी में, वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके 70 से भी कम मार्क्स बन रहे हैं, जिनके 70 से भी कम मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें पहले जरूरी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्लास सेकंड में जाने के लिए पहली कक्षा को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमें जरूरत है आरएएस प्रीलिम्स पे थोड़ा बहुत ज्यादा फोकस करने की, ठीक है, आरएएस प्रीलिम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की। तो हमारी जो है स्ट्रेटजी रिवर्स हो जाएगी, 5:2, हम 5 दिन वो पढ़ेंगे जो एक्सक्लूसिवली आरएएस प्रीलिम्स में आ रहे हैं या प्री और मेंस दोनों में आएगा, ठीक है। और 2 दिन सिर्फ हम मेंस को देंगे, अभी बहुत ज़्यादा फोकस मेंस पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एमसीक्यूज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अपना टारगेट रखो 10,000 एमसीक्यूज़ हमें बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यूज़, टॉपिक पढ़ा, एमसीक्यूज़, जो गलत एमसीक्यूज़ हैं उसको रेड से मार्क करोगे कि ये गलत क्यों हुआ, उसको दोबारा करोगे। जब दूसरी बार वही सीरीज़ एमसीक्यूज़ की आप लोग करने लगोगे तो कुछ क्वेश्चंस जो गलत थे पहले वो सही हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो गलत थे वो दोबारा गलत होंगे, तो उनको तीसरी बार आपको दोबारा से याद करना है, ठीक है। इन सब के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बाद एक और चीज बता देती हूँ मैं आपको। न्यू स्लाइड कैसे ऐड होगी, हो गई ना, हाँ। तो उसके अंदर आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 बार रिविजन साथ साथ करना है आपको, ठीक है, 3 बार रिवीजन साथ साथ, ताकि आपको ये नहीं रहे रिवाइज नहीं किया, वरना इस टॉपिक को एक हफ्ते बाद पढ़ोगे नए जैसा ही लगने वाला है आपको, ठीक है। 3 बार रिवीजन कर लिया तो जो एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इसके एमसीक्यूज बनाए, बुक से बनाए। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे बहुत सारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, वहां से प्रैक्टिस करें। जो क्वेश्चन ठीक हो गए तो ठीक है, जो गलत हुए हैं उनको मार्क करें, उनको रिवाइज करें कि क्यों गलत हुए, क्या रीजन था, कौन सा फैक्ट्स मुझे नहीं याद हुआ। यहाँ पे रोना धोना नहीं मचाना, अरे मैंने 50 क्वेश्चन किए, मेरे तो 25 ही सही हुए हैं, 25 गलत हो गए, ठीक है। तो 25 गलत पे हमें फोकस करना है, 25 क्यों गलत हुए, इनका क्या रीजन है, दोबारा टॉपिक पढ़ने की जरूरत है तो दोबारा टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी 3 बार टॉपिक को रिवाइज करें, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि उन टॉपिक पे 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एंड देन स्टार्ट आंसर राइटिंग, ठीक है। कंटेंट पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट करनी है, कंटेंट पढ़ने के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। पहली बार में क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं लिखा जाएगा, दूसरी बार में नहीं लिखा जाएगा, तीसरी बार में और विचार आएंगे, तीसरी चौथी बार में आंसर अच्छे से लिखा जाने लगेगा और उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की हैबिट बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ आपको, मेरे माइंड में अभी आ रही है कि और क्या बताना था, हाँ। तो आपको यहाँ पे मारू राजस्थान पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं आरएएस प्रीलिम्स के लिए और आरएएस मेंस के लिए, ठीक है। तो मेरे पास जो रिकमेंडेशन आ रही है वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की ही आती हैं। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कंबाइंड, प्री और मेंस कंबाइंड, मैं आपको एक सब्जेक्ट करा रही हूँ जिसका नाम है राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है। डेली, ऑलमोस्ट डेली वीडियोस आएंगे, नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं आपको पूरा स्केड्यूल इसका बता दूंगी। राजस्थान ज्योग्राफी आज से ही शुरू हो रहे हैं इसके वीडियो, आज का टॉपिक रहेगा क्लाइमेट, ठीक है। तो आज मैं आपका क्लाइमेट टॉपिक कराऊंगी, जब आपका टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे,
ठीक है, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे। आज ये टेस्ट होगा शाम को 6 बजे, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारे, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड मांगते हैं, तो MRP10 कोड लगाना है, ठीक है। तो RAS की नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन में, या जो अभी भी एग्जाम दे रहे हैं उनको भी सारे सेशंस हेल्पफुल होंगे बिल्कुल, या जो RAS मेंस लिख रहे हैं उनको भी, लेकिन RAS जो नेक्स्ट देना चाहते हैं RAS 22, उनके ऊपर मेरा जो है मेन फोकस रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको, मेरे पास रिकमेंडेशन आ रही है, उनको हमें करना है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मारो राजस्थान पे ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। टेस्ट होगा आपका, जो टॉपिक थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगी वो आपका फ्री स्पेशल क्लास के अंदर टेस्ट होगा। जब आपसे अनलॉक कोड मांगे तो MRP10 कोड लगा के फ्री में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इतनी चीज हो गई। मेंस के लिए जो है, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत रिकमेंडेशन आ रही थी, तो अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करें, रात को 8 बजे वीडियो आया करेगा, ठीक है। आज से आ जाते तो ठीक है, नहीं तो कल से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मैं साइकोलॉजी से स्टार्ट करवा रही हूँ, साइकोलॉजी से, इंटेलिजेंस टॉपिक से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम टॉपिक देखेंगे और उसके बाद हम आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे। किसी की आई थी यूट्यूब पे, किसी ने लिखा है बच्चे ने कि RAS मेंस पढ़ा दो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो आंसर राइटिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग से पहले जो हमारे रोमन सर हैं, ठीक है, सब जानते हो आप उनको, वही पहले बोलते हैं आंसर राइटिंग से पहले कॉन्टेंट आना बहुत जरूरी है। तो मेरा फोकस रहेगा कि अगर आपके पास कॉन्टेंट होगा तो आंसर आप बहुत बेहतर तरीके से फ्रेम कर पाओगे। तो पहले मेरा फोकस है कि हम कॉन्टेंट पढ़ें, ये वाले जो RAS मेंस दे रहे हैं उनको भी ये कॉन्टेंट काम आएगा, जो नेक्स्ट RAS मेंस देने वाले हैं उनको भी ये कंटेंट आएगा, ठीक है। तो सिर्फ RAS सीरीज में आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और हाँ, ये जो राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज है, ये आपकी हर एग्जाम में, चाहे आप वीडियो एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप RPSC फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, आप राजस्थान GK पढ़ना है ना, तो उसमें आपको हर एग्जाम में काम आने वाली है, ठीक है। देखो टॉपिक बदलता नहीं है, चाहे पटवारी के लिए पढ़ लो, चाहे कांस्टेबल के लिए पढ़ लो, राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण या राजस्थान की जलवायु सेम ही रहने वाली है। चाहे किसी किताब से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, कंटेंट आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। फर्क होता है सिर्फ समझने का टॉपिक को, ठीक है, कि हम उसको समझते कैसे हैं, उसको डिसिफर कैसे करते हैं। क्लियर है सबको? तो आई होप ये वीडियो, ये सेशन जो है आपको हेल्प आउट करेगा जरूर, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। और हाँ, इसके साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में स्टार्टिंग में बताना भूल गई। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक वीकली आपका टेस्ट सीरीज होगा, प्रज्ञ टेस्ट सीरीज, और ये राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर होगा, ठीक है। 2 बजे इसमें आपका टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट 2 बजे होगा, एनालिसिस 7 बजे मैं खुद करूंगी, 20 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि जो रैंक फर्स्ट आएगा उनको अमेजन का पे गिफ्ट कार्ड मिल रहा है 1000 रुपए का, खुश हो जाओ। सेकंड रैंकर को 750 रुपए का, थर्ड रैंकर को 500 रुपए का, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो लाइव टेस्ट लेंगे, रिकॉर्डेड वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज का पार्ट बनो, आज से ही शुरू हो रही है ये, 2 बजे टेस्ट सीरीज है, 7 बजे मैं ही इसका एनालिसिस करने वाली हूं, तो आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप RPSC प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन है, जहां पे बहुत रीजनेबल रेट पे, तो वहां पे भी एक विजेता टेस्ट सीरीज चलती है हमारी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, इसको ज्वाइन करना। फर्स्ट रैंक, फर्स्ट से 25 रैंकर तक, 1 साल या 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। इसके साथ साथ अपकमिंग प्लस कोर्सेज और कौन कौन से आप देख सकते हो, वीडियो का बैच आ रहा है, मैं ही पढ़ा रही हूं इसमें, राजस्थान के करंट अफेयर्स, इंडिया एंड वर्ल्ड के मारो राजस्थान पे हो रहे हैं, राजस्थान के करंट अफेयर्स अनअकैडमी प्लस पे, सैटरडे संडे वीकेंड सेशन है, कल 4 बजे सेशन होगा इसका, वो मैं आपको कराने वाली हूं, ठीक है। उसके बाद 22-23 नवंबर से RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड कोई भी हो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ाने वाली हूं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में, और पूरे बैच कोर्सेज हैं, दूसरे एजुकेटर्स आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, और विजय RAS भी। तो बी अ पार्ट ऑफ प्लस कम्युनिटी, और RAS मेंस के भी देखें, आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 2 पेपर 1, ठीक है। इसके साथ साथ ये GS पेपर 3rd का बैच कोर्स, 4th का 1 का 2 का सारे बैच कोर्सेज भाई स्टार्ट हो रहे हैं, 28 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 नवंबर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पिछले सारे सेशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। RAS आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज प्लस पे अवेलेबल है, ये सारे टेस्ट हैं आपको देखने हैं, ठीक है, इनको देना है, आपका एनालिसिस किया जाएगा, सारी टेस्ट सीरीज आपको जब आप प्लस पे ज्वाइन करते हो, कॉन्टेंट, सिलेबस कंप्लीशन, टेस्ट सीरीज, ऑल इन वन ऑफन है, सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ये
सब्सक्रिप्शन लेना, मारो राजस्थान के स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा इसमें वो भी बता देती हूँ। जब आप MRP10 कोड लगाओगे ना, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो रेफरल कोड लगाना मत भूलना, मारो राजस्थान परिवार का ही कोड है MRP10, सही है। अच्छा, और सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रही है, ठीक है। तो जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है सिर्फ RAS, उस पर आपको फोकस बिल्कुल नहीं खोना। और कौन कौन रेडी है मेरे साथ इस प्रिपरेशन की जर्नी में, बताइएगा जरूर, ठीक है, बताइएगा जरूर, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक पे ही जो है एक्शन का रिएक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। जैसा आपका फीडबैक आएगा तो हम इस जर्नी को बहुत एक्टिवली रीस्टार्ट मतलब स्टार्ट कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में। राजस्थान GK में क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, RAS मेंस के लिए हम लोग इंटेलिजेंस यानी कि साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि उनके लिए कॉन्टेंट कम अवेलेबल है कहीं ना कहीं मार्केट में, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी राजस्थान GK तो मैं दोनों ही मीडियम में ऑलमोस्ट कराऊंगी आपको, लेकिन मेन्स जो है वो स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले लर्नर्स के लिए ही रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपको ये जो नया इनिशिएटिव है मारो राजस्थान ने लिया है, इसी पर्पज के साथ लिया है, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ट्रू कमिटमेंट है यहाँ पे, कोई फॉल्स या ऐसा कुछ नहीं है, ऑनेस्टी के साथ हम लोग काम करते हैं, आपको पता है, आप जानते हो मुझे तो, है ना भाई। तो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मारो राजस्थान जितनी हमारी 10,000 के करीब ग्राम पंचायत है, हर हर ग्राम पंचायत तक हमें जाना ही है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, सबको मेरी तरफ से बड़े वाली घनी घनी राम राम।